नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी भाइयों। आज हरियाणा जीके की बहुत डिमांड थी, वीडियो लेकर हूँ आपके लिए। और डिमांड के थी जी हरियाणा की हिस्ट्री के प्रश्न करा दो, हरियाणा की हिस्ट्री के प्रश्न करा दो। तो साथियों आज एक ही वीडियो में देखो, हिस्ट्री बहुत घनी बड़ी है, कोई मतलब को नहीं अपन है, केवल हरियाणा के प्रश्न जो आवे हैं, हरियाणा की हिस्ट्री के जो प्रश्न आवे हैं साथियों, वो प्रश्न कराऊंगा मैं, कोई बड्डी वो को निकाणी कराऊं मैं। जो प्रश्न बने हैं हिस्ट्री में और जिनकी बनने की उम्मीद है, केवल वही प्रश्न हरियाणा के हिस्ट्री के मैं कराऊंगा साथियों। और आज प्रयास यो रहेगा मेरा, इसी वीडियो में संपूर्ण हरियाणा की जो हिस्ट्री है, आने के जो प्रश्न है साथियों, इसी वीडियो में मैं करवा दूंगा, ठीक है साथियों। तो आज अपना टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। अपना जो टॉपिक है साथियों आज हो हरियाणा का इतिहास, मतलब इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, हरियाणा का इतिहास, ठीक है। आज अपना जो टॉपिक है हरियाणा का इतिहास, ओके। और आज सबसे पहले पढ़ांगे आपां वर्धन वंश, कौन सा पढ़ांगे, वर्धन वंश पढ़ांगे साथियों। वर्धन वंश बहुत प्रश्न आओ वर्धन वंश है। वर्धन वंश की शुरुआत पूछे तो शुरुआत जो वर्धन वंश की हुई थी वह हुई थी पुष्यभूति ने करी थी। किसने करी थी, पुष्यभूति ने। वर्धन वंश की शुरुआत जो करी थी हरियाणा में, जिक्र करो तो पुष्यभूति 550 ईस्वी में, कब करी थी, 550 ईस्वी में पुष्यभूति ने जो है वर्धन वंश की शुरुआत करी थी, ठीक है। लेकिन इसको है ना यो प्रतापी राजा नहीं होया, इसको वास्तविक जो इसका जो वास्तविक संस्थापक था वर्धन वंश का, वास्तविक संस्थापक पेपर में होगा वास्तविक जो संस्थापक था, संस्थापक वो कौन था, वो था प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, प्रभाकर वर्धन था, ठीक है। और जो प्रभाकर वर्धन राजा बना था साथियों, वो 580 ईस्वी में राजा बना था, ठीक है। और इनकी राजधानी हुआ करती थानेसर। वर्धन वंश की जो राजधानी थी वह कौन सी थी, थानेसर थी। वह किस जिले में पड़े है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़े है, ठीक है। और इसको थानेसर का जो प्राचीन नाम था स्थानेश्वर इसका नाम था। और इसको थानेश्वर को बौद्ध साहित्य में, बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध व जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में इसको कहा गया है थूणाग्राम। क्या कहा गया है, थूणाग्राम, ठीक है। हर्षवर्धन जो प्रभाकर वर्धन वंश की जो राजधानी थी वह थी थानेश्वर, कुरुक्षेत्र जिले में है, इसका प्राचीन नाम स्थानेश्वर। बौद्ध व जैन साहित्य में इसको कहा गया है थूणाग्राम, ठीक है। तो 580 ईस्वी में जो इसका राजा था प्रभाकर वर्धन, इसका राजा बने है। और प्रभाकर वर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन बहुत ही प्रतापी राजा है। प्रभाकर वर्धन की शादी हो जाए है और उसकी पत्नी का नाम है यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम है। और इसके फिर तीन संतान हुई हैं यशोमती के, तीन संतान हुई। और जो इसका बड़ा लड़का था, यशोमती का जो बड़ा लड़का था उसका नाम था राज्यवर्धन। के नाम था राज्यवर्धन, नाम था बड़ा लड़का का। छोटा लड़का उसका नाम था हर्षवर्धन। के नाम था हर्षवर्धन। और लड़की थी उसका नाम था राज्यश्री, ठीक है, राज्यश्री। पेपर में कई बार पूछ ले है कि हर्षवर्धन का जन्म पूछा है कब हुआ था, 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था हर्षवर्धन का 590 ईस्वी में, ठीक है। यशोमती माँ का नाम है हर्षवर्धन की का, भाई का नाम राज्यवर्धन है, बहन का नाम है राज्यश्री। और जो ये प्रभाकर वर्धन जो राजा बना था, यो ऊणों को हरा कर राजा बना था। ऊण भील जैसे जातियों आकर ऊण जातियों आकर दी, उनको हरा कर जो है वो राजा बन गया था, ठीक है। देखो ठीक ठाक काम चल रहा था, प्रतापी राजा था। तो जो हर्षवर्धन की बाण का नाम था राज्यश्री, ठीक है। राज्यश्री की जो शादी थी, राज्यश्री की शादी कर दी थी
और राज्य श्री की शादी जो करी उसका नाम था गरह वर्मा, राजा के नाम था गरह वर्मा। राज्य श्री की शादी कर दी गरह वर्मा के साथ। गरह वर्मा की जो राजधानी थी साथियों वह थी कन्नौज। कौन सी थी? गरह वर्मा की राजधानी थी कन्नौज। और जो यह कन्नौज जगह है या यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गरह वर्मा की राजधानी थी कन्नौज और गरह वर्मा के साथ राज्य श्री की शादी कर दी जा है। और एक पेपर में पूछा था जो गरह वर्मा है वो किस वंश का था, कौन सा वंश का राजा था? मोखरी वंश का राजा था। कौन सा वंश का राजा था? मोखरी वंश का राजा था, ठीक है भाइयों। ठीक ठाक काम चल दिया, राज्य श्री की शादी कर दी। दोनों लड़के जो थे वो अपने, जो छोटा लड़का था जो बड़ा लड़का था, प्रभाकर वर्धन वर्ध हो गया है। प्रभाकर वर्धन जो है बहुत बीमार हो गया है, एक बार बीमार हो गया है, तो उसने अपने दोनों लड़के बुला लिए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। दोनों अपने पास बुला लिए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। उनको कहा कि बेटा मैंने अपने जीवन में मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी, मैंने अपना जो जीवन है वो पूरा अपना संघर्ष का जीवन जिया है। मैंने सूचना मिली है कि जो ऊन है उन दोबारा अपने साम्राज्य पर, जो अपना साम्राज्य है उस पर दोबारा उन आक्रमण कर दिया, और मेरी तो लड़ाई करने की भी हिम्मत नहीं रह रही, आप हम दोनों भाई जाओ और उनसे युद्ध करके आओ, ठीक है। तो साथियों राज्यवर्धन बड्डा था, हर्षवर्धन दोनों भाई उनके साथ युद्ध करने के लिए चले हैं जी। बना में जावे है तो हर्षवर्धन बच्चा था, मतलब बालक था। मोर मार जो पक्षी नाचे थे, मोर मार और पक्षी जो खेल करने लाग रहे थे जंगल में, उन्हें देख कर उड़े खेलन लाग गया है। राज्यवर्धन युद्ध करने के लिए आगे चला जा है, और युद्ध करने खातर साथियों बहुत ही उतावला था, उसका पहला युद्ध था, और अपने पिताजी के गले को युद्ध करने के लिए जाता है। इस बीच में जो प्रभाकर वर्धन था उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गया है। वो कब है भाई, युद्ध में मेरे बेटे दोनों जा रहे हैं और मैं अंतिम इच्छा मेरी यह है कि दोनों बेटियां तो मैं एक बार देख लूं, उन तो मिलना चाहूं, आप उन सैनिक बुलाए और कहा जल्दी उनको कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, मैं उनके अंतिम दर्शन करना चाहूं, ठीक है। सैनिक भाइयों घूमण उन टोण खातर चले सैनिक, तो उन्हें रास्ते में जो है हर्षवर्धन मिला है। उससे पूछी भाई हर्षवर्धन देख राज्यवर्धन कड़ा है, बोले भाई मन नहीं बेरा, मैं तारा खेलने लगा यार, भाई तो आगे जा रहा है, भाई तो जो पिताजी की आज्ञा लेकर बड़ा भाई था वो तो अपने उसमें अपने युद्ध में कर्ण खातर चला गया। लेकिन उन्हें सोची भाई हर्षवर्धन तो मिलेगा, मान लिया कभी राज्यवर्धन नटो वहां तो इतना राजा स्वर्ग सीधा हार जा, तो वो एक ने लेकर हर्षवर्धन ने लेकर और राजभवन में आ जाए हैं। हर्षवर्धन लेकर राजभवन में आवे तो अपने बेटे ने देख कर प्रभाकर वर्धन की आंखें आंसू आ जाए है। और जैसे ही हर्षवर्धन उसके पास माँ का बैठे है, प्रभाकर वर्धन की जो है अपने प्राण त्याग दे है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाए साथियों, पेपर में पूछे प्रभाकर वर्धन मृत्यु कब हुई, 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी, ठीक है। वीडियो ने डाट डाट कदा देखियो, लिखाई लिखोई पता था ध्यान हाना दियो, क्योंकि स्पीड में आप हर चीज स्पीड में कराओ, लिखाई मेरी शुरू है इसी है, फिर भी कोई दिक्कत को नहीं, मेरे सामावाद समझ मान ला, 605 का मतलब 605 वो है। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाए है। और जो यशोमती थी वह जिद करे है कि मैं तो अपने पति के साथ मैं सती होंगी। उस टाइम पर सती प्रथा थी, सती प्रथा थी मतलब सती वो पहले परंपराएं थी, या प्रथा तो क्या थी, जिद करे है। 14 वर्ष का हर्षवर्धन बड़ा समझाव है, एक माँ मैंने छोड़कर ना जावे, लेकिन माँ माननी को नहीं। और साथियों यशोमती भी प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो जाए है। और जीव अपनी जिंदगी का पहला युद्ध करके राज्यवर्धन जीव घर न लौटे साथियों, कहा ना नौकरी लाग जाओगे, ज्वाइनिंग लेटर आपका उता मन में एक ललक रहेगी, जाख अपने माँ बाप से कागज का टुकड़ा जो है वो उम्र बता दे है जिंदगी में, जाके वो ज्वाइनिंग लेटर अपने माँ बाप खातर दिखाना चाहोगे था हम सारी साची खुशी हो है। हर्षवर्धन पहले घर ना गया था, उसने तो सारी घटना का बेराया था। राज्यवर्धन राज्य हो रहा था, पहला युद्ध लड़न गया उससे मैं जीत गया, उन्हें सोची यह जानकारी मेरे पिताजी ने जाकर दूंगा और पिताजी बड़ा खुश होगा। साथियों उसने जाकर देखा तो घर ने भाइयों माँ ने भी जिंदी छोड़ गया था, बाप ने भी जिंदा छोड़ गया था, लेकिन ना तो दोनों मामे का कोई सा नहीं मिला। उसने सारी घटना थी वह हर्षवर्धन ने बताई एक भाई यह बात थी, रोन ला गया हर्षवर्धन। लेकिन बड़ा भाई ने फिर भी समझना पड़ा, छोटा भाई पुचकार दिया, मेरा भाई कोई बात को नहीं, जो भगवान ने मंजूर थी वह अपने साथ हुई है।
तो पेपर में प्रश्न आएगा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी, 605 ईस्वी में हुई थी, और राज्यवर्धन राजा भी कब बना था, वो भी 605 ईस्वी में राजा बना था राज्यवर्धन। ठीक है, देखो जी भी विपदा पड़ जा है तो लोग बहुत मौके का फायदा ठाक रहे हैं। जो गरेवर्मा था, गरेवर्मा के भी दो दुश्मन थे, एक का नाम था देवगुप्त, जो मालवा का राजा था, कहाँ का राजा था, मालवा का राजा था देवगुप्त। गरेवर्मा के दो दुश्मन हो गए, एक देवगुप्त था जो मालवा का राजा था, और एक इसका मित्र था, देवगुप्त का ये मित्र था, गौड वंश का राजा था, कौन सा वंश का था, गौड वंश का राजा था शशांक, दोनों मित्र थे। नबेरा पाटक इसका जो बैकग्राउंड मान ले जो सुसरा हो गुजर गया पर भाकर वर्धन ने, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और इसके ऊपर हमला कर दिया गरेवर्मा के ऊपर, और देवगुप्त ने जो है गरेवर्मा की साथियों हत्या कर दी, देवगुप्त ने जो था वो गरेवर्मा की हत्या कर दी। नीला पेन तक काट देंगे क्योंकि आपका समझ में आ जाएगा, गरेवर्मा की हत्या किसने करी थी, देवगुप्त ने करी थी, और जो राज्यश्री थी, इसको बंदी बना लिया गया, राज्यश्री को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया, और यह सूचना जो है जेल में डाल कर यह सूचना जो है यह राज्यवर्धन के पास भिजवा दी, तेरा भाई जीजा जी को तो हमने मार दिया है और तेरी बहन को हमने बंदी बनाकर जेल में डाला है, बचा सका तो बचा ले। देखो पहले विपदा हो रही थी बेचारे करने, दूसरी एक और आफत आ गई, पहले लड़ाई तो बुझी एक होनी थी, जीत का आ था चलो, फिर माँ बाप चले गए, एक दुख और आ गया, लेकिन जवान था राजा बन गया तो युद्ध भी करना पड़ेगा, अपनी सारी सेना ने लेकर पहुंच गया साथियों, और इसने जो है जाते ही राज्यवर्धन जाते ही देवगुप्त को मार दिया, किसको मार दिया तो साथियों डर गया, यो जो गोडवंश का राजा था शशांक यो भयभीत हो गया, भयभीत नहीं होगा भाई, उसने तो बड़ा प्रतापी राजा है, आंधे इसने देवगुप्त को मार दिया, तन्ने भी मारेगा, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, नोला मेरी कोई गलती को नहीं, मैं तो वैसे ही आ रहा था, मैंने किसी प्रकार का भी कोई गलत काम नहीं कराया है। राज्यवर्धन ने सोची भाई ठीक आदमी है, चलो ठीक कब है उसकी बात में आ जाए, उसने एक प्रस्ताव रख दिया जो गोडवंश का राजा शशांक था कि भाई मेरी एक पुत्री है, और उसकी शादी मैं करना चाहूँ, आप मेरे साथ चलियो, और यो राज्यवर्धन को गोडवंश का राजा जो था यो राज्यवर्धन को अपना साथ ले गया, ठीक है, और जहाँ अपने घर न ले जाकर जी आराम कर रहा था क्योंकि पहला युद्ध जीत का था, फिर वो इसी हालत हो गई थी, आराम नहीं करा था राज्यवर्धन ने, और राज्यवर्धन सो गया है साथियों, और राज्यवर्धन का सुत्ते का शेर कलम कर दे है गोडवंश का राजा जो है वो शशांक, वो इसका सुत्ते का कलम कर दे शेर। तो पेपर में प्रश्न आओगा राज्यवर्धन को किसने मारा था, तो शशांक ने मारा था, किसने मारा था, गोडवंश का राजा शशांक ने। ठीक है साथियों, उसके बाद देखो राज्यवर्धन मर गया, गरेवर्मा मर गया, प्रभाकर वर्धन मर गया, यशोमती माँ सती होगी, सारी जिम्मेदारी किसके पास आ गई, हर्षवर्धन के पास आ गई, 14-15 साल का छोरा था, और साथियों इतना बढ़िया योद्धा बनया, सम्राट बनया, साहित्यकार बनया, उसी के कारण आज आप पढ़ने लाग रहे हैं। ठीक है, पेपर में प्रश्न आवा, देखो 605 में पिताजी मरिया, 605 में भाई राजा बन गया, उसके बाद पेपर में प्रश्न आओगा हर्षवर्धन राजा कब बनया, हर्षवर्धन जो राजा है वो कब बनया, वो बनया था 606 ईस्वी में, कब बना था साथियों, 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन राजा बनया, और राजा बनया तो साथियों बड़ा प्रतापी राजा है यो, इसने जाते ही के करया जो गौड़ वंश का राजा था शशांक उसको मार दिया, अपने भाई की मौत का बदला लिया, और जो अपनी बहन थी राज्यश्री, राज्यश्री को जेल से रिहा करा लिया, छुटा लिया ठीक है, छुटा कर जी चालन ला गया तो साथियों बहन थी रोन लागी, नुबली भाई जावे कड़े है, मैं कित जाऊंगी, नुबला जावे की थी बोले अपनी कन्नौज अपनी जो तेरी राजधानी है इसने संभाल अपना राजपाट ने, नुबली भाई मन इस राजपाट की किमें जरूरत को नहीं, मैं तो तेरा साथ चालूंगी या तन्ने भी आड़े रहना पड़ेगा। तो साथियों बाण का दुख भाई पर देखा नहीं जाता, और हर्षवर्धन था वो वहीं रुक गया है, तो हर्षवर्धन की दो राजधानी हुई साथियों, एक तो थानेसर और दूसरी
कन्नौज जो राजधानी है वह हर्षवर्धन की हुई। इस प्रकार हर्षवर्धन की दो राजधानी थी, एक तो थानेसर हरियाणा में और कन्नौज उत्तर प्रदेश में। ठीक है साथियों, हर्षवर्धन राजा बना 606 में, उसकी राजधानी हुई दो, थानेसर और कन्नौज। ठीक है, इब इसके अलावा और भी प्रश्न आवे हैं, एक बार बोर्ड ने साफ कर लूं। ठीक है, बोर्ड ने साफ कर लूं क्योंकि इसका अपने दांव समझ में आ जाएगा बहुत। ये अपनी वीडियो का यही मजा है साथियों, डाट डाट का आराम तो देख लियो, कोई नहीं समझ में आओ तो। और इब मेन बात तो यह है, लिखाई थोड़ी ही ज्यादा हार्ड लाग दी होगी आवाज तो समझ मान दी होगी क्योंकि आदत है इसी है, बोर्ड पर लिखने की इसी पढ़ रही है आदत है, क्लासा में भी स्पीड में लिखा जा। ठीक है, फिर भी प्रयास यो है आप लोगों को अपनी आम भाषा में हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा जी के कराने का जो प्रयास है अपना हो सफल हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ तो साथियों जो था हर्षवर्धन राजा बन गया, दो राजधानी होगी थानेसर, थानेसर व कन्नौज। ठीक है, कन्नौज थानेसर व कन्नौज इसकी राजधानी होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद कई प्रश्न आएंगे, एक चिन्नी यात्री आया था इसके काल में, चिन्नी यात्री हर्षवर्धन के काल में एक चिन्नी यात्री आया था, चिन्नी यात्री जिसका नाम था अवेन सांग। अवेन सांग जो था वो चिन्नी यात्री किसके काल में आया था, हर्षवर्धन का काल में भारत आया था, हरियाणा में आया था। एक बार पूछा था उसका निवास कितने तक रहा, मतलब कै दिन डटिया। हरियाणा में चिन्नी यात्री अवेन सांग कब से कब तक रहा, अलग अलग किताबा में लेकिन सही लिखूंगा 634 ईस्वी से 644 ईस्वी के मध्य वो है, वो हरियाणा में रहा था। ठीक है, 634 से 644 के मध्य जो हो हरियाणा में रहा था। ठीक है, उसके बाद इसकी पुस्तक का नाम जो चिन्नी यात्री, इसकी पुस्तक कौन सी थी, पेपर में बहुत बार आया है, इसकी पुस्तक थी सी यू की नाम की जो पुस्तक है इसने लिखी थी, और इसमें इसने हर्षवर्धन के बारे में विवरण कराया था। ठीक है, इसके साथ ही पेपर में प्रश्न पूछा गया है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो हर्षवर्धन का साथियों दरबारी कवि था बाण भट्ट। कौन था, बाण भट्ट जो इसका दरबारी कवि था, जिसने रचना करी थी हरश्चरित की, किसकी करी थी, हरश्चरित की रचना करी थी बाण भट्ट ने, और संस्कृत भाषा में करी थी। कौन सी भाषा में करी थी, संस्कृत भाषा में करी थी हरश्चरित की रचना बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट पुरस्कार कौन सी अकेडमी द्वारा दिया जा है, जिसका 2002 में हरियाणा संस्कृत अकादमी का गठन हुआ था पंचकूला में, संस्कृत अकेडमी का गठन 2002 में पंचकूला में हुआ था, उसके द्वारा बाण भट्ट पुरस्कार दिया जा है। वर्तमान में जो है इसकी राशि जो है एक लाख रुपए। ठीक है, यो इसका दरबारी कविता हर्षचरित की रचना करी। लेकिन साथियों पेपर में प्रश्न आ जा, हरियाणा में साहित्यकार व सम्राट कौन था, साहित्यकार व सम्राट किसे कहा गया, तो साथियों हर्षवर्धन को जो है साहित्यकार व सम्राट भी कहा गया। हरियाणा में साहित्यकार व सम्राट किसे कहा गया है, हर्षवर्धन को साहित्यकार व सम्राट हरियाणा में कहा गया। इसकी प्रमुख रचना थी नंबर एक थी नागानंद, नंबर दो थी प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका, और नंबर तीन नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली इसकी जो है तीन रचना थी हर्षवर्धन की। ओके रिपोर्ट। उसके बाद साथियों 634 ईस्वी का लगभग देखो, क्योंकि ये हिस्ट्री का ऐसा है, जिसी राइटर हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा दी है। 634 ईस्वी का लगभग जो है नर्मदा नदी का किनारा युद्ध हुआ है। 634 ईस्वी में नर्मदा नदी का किनारा युद्ध हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का राजा था। कौन से वंश का था, चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी का किनारा युद्ध हो है हर्षवर्धन के साथ में, और हर्षवर्धन इस युद्ध में साथियों हार जा है, हर्षवर्धन की
हार हो जाए है, और 647 ईस्वी में 647 ईस्वी में क्यों है हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाए है, और इसके साथ ही वर्धन वंश क्यों हो जाए है समाप्त हो जाए है, क्यों हो जाए है समाप्त हो जाए है। उसके बाद एक पेपर में प्रश्न पूछा था वर्धन वंश समाप्त होने के बाद हरियाणा में कौन से वंश आए, वंश बहुत बने आए लेकिन तो प्रभाव रहा था, और रहा था गुज्जर प्रतिहार वंश का, कौन सा गुज्जर प्रतिहार वंश का जो है प्रभाव रहा था। ठीक है, यो था अपना हरियाणा में वर्धन वंश, और ये भी मेन मेन टॉपिक मैंने धार तो बताई थी, करवा दूं आज हरियाणा के वर्धन वंश में। मेरे हिसाब में कोई टेंशन आपने ली नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा हा करा दिया, बहुत जल्दी करा दिया, और इतना जल्दी करा दिया है कि आपका प्रश्न भी नहीं छूटेगा और समय भी जाया नहीं होगा, और स्पीड मेरी भी ठीक ठाक है कराने की मान ले, और आप इसने वीडियो ने डबल स्पीड पे करके देख लियो ताकि समय बच जाए भाइयों, क्योंकि कीमत समय की है, और ये जो अपना मेहनत कर गया ने उसका सिलेक्शन श्योर है, भगवान की दया है, दिन दुगुनी रात चुगुनी आपकी तरक्की होगी। और वीडियो पसंद आवे तो शेयर करने की भी कहेंगे, आखिरी में कह देंगे, ठीक है अपना घर की बात है। उसके बाद है गजनवी, गजनवी यो सीधा है, गजनवी क्यों करा हो पेपर में सीधे आओ है, हिस्ट्री पढ़नी है तो और बने बहुत बने वो मिल जाएंगे कि थोड़ी पढ़े जाइए, लेकिन हरियाणा में हिस्ट्री आप कराने ला रहे हैं तो बाहर को नहीं आने, भगवान की दात है। गजनवी देखो साथियों, गजनवी जो था वो 1009 में पहली बार हरियाणा में आया था, 1009 ईस्वी में वो हरियाणा में आया, 1009 ईस्वी में गजनवी हरियाणा में आया, और वह जगह थी थानेसर, कौन सी जगह थी थानेसर जगह थी, 1009 में गजनवी थानेसर में आया। ठीक है, उस टाइम जो थानेसर का राजा आया करता वो था जयपाल, कौन था जयपाल, थानेसर का राजा कौन आया करता जयपाल आया करता, गजनवी आया बिना युद्ध करे वापस ले गया, देख दिया का अपने उस एरिया ने, कोई उसने युद्ध याद नहीं करया। उसके बाद फिर आया वो 1014 ईस्वी में, कब आया 1014 ईस्वी में गजनवी फिर आया साथियों, 1014 में उसने राजा जयपाल के ऊपर हमला कर दिया, युद्ध कर दिया राजा जयपाल के ऊपर 1014 में आकर गजनवी ने, और इस युद्ध में जयपाल की हार होगी, और थानेसर पर किसका अधिकार हो गया 1014 में गजनवी का अधिकार हो गया, किसका हो गया मोहम्मद गजनवी का अधिकार हो गया, मोहम्मद लिख दूंगे मोहम्मद गजनवी लिख दिया, ठीक है मोहम्मद गजनवी का अधिकार थानेसर पर कब हो गया 1014 में हो गया। ठीक है, और इसने थानेसर में एक मूर्ति थी पेपर में पूछा उड़ है, एक चक्कर स्वामी की मूर्ति थी, किसकी मूर्ति थी प्रसिद्ध मूर्ति थी चक्कर स्वामी की, उसको भी इसने तोड़ दिया था ध्वस्त कर दिया था, और पूर्ण रूप से इसका जो है अधिकार हो गया था। ठीक है, गजनवी की मृत्यु है साथियों 1030 में, 1030 में गजनवी की मृत्यु हो जाए है, लगभग हो जाए है 1030, क्योंकि थोड़ा बहुत एक आधी किताब में अलग भी दे दे हैं, 1030 में इसकी जो मृत्यु हो जाए है। उसके बाद इसका पोत्र, देखो बहुत पुराना इसका पोत्र आवे है, रहे तो वही है लेकिन इसका पोत्र गजनवी का जो पोत्र है वो 1037 ईस्वी में, गजनवी का जो पुत्र है वो 1037 ईस्वी में, नु सोचा दादे की जो विरासत है वह तो सह इसको और आगे बढ़ा जा, एक अपना जगह है आसी, आसी पे 1000 गजनवी का जो पुत्र है वो आसी पे 1037 में, 1037 में इसका नाम है मादूद, मादूद या मसूद भी पा जाए कई किताबों में मसूद। ठीक है, गजनवी का पुत्र मसूद या मदूद जो है वो हाँसी पर आक्रमण करे है, उस टाइम हाँसी का जो राजा हो वो कुमार पाल हो है, कौन हो है कुमार पाल, और इस कुमार पाल ने जो है मादूद या मसूद या मादूद जो था इसने युद्ध में हरा दे है, और 1037 में जो है हाँसी पर भी गजनवी के वंशजों का अधिकार हो जाए है, गजनवी के जो वंशज थे वंशज उनका अधिकार हाँसी पे कब आपे परमावे तो साथियों 1037 में जो उसको पर अधिकार हो जाए। लेकिन जो कुमार पाल है वो हार नहीं मानता साथियों, जो यो कुमार पाल है कुमार पाल ने सोची भाई बेइज्जती हो गया तो युद्ध में हार गया,
यो और अनेक राजाओं के पास जावे है और उन राजाओं से मदद मांगे है, मदद की गुहार करे है। भाई इन्होंने अचानक युद्ध कर दिया उस गजनवी का पोत्र ने, हर में तैयार भी नहीं था, हर में युद्ध मार गया, मेरी मदद करो। यो अपना बहुत राजाओं की मदद लेकर साथियों 1043 ईस्वी में जो है यो, और यो आड़े मसूद का बेटा हो जाए मदूद, इसे नाम इनके मदूद, मसूद का जो बेटा हो मदूद जो हाँसी का राजा बन जाए है, उसको ऊपर यो कुमारपाल हमला करा है 1043 में और इस युद्ध में यो हार जाए है। और दोबारा 1043 में है वो हाँसी पे कुमारपाल का अधिकार हो जाए, किसका अधिकार हो जाए है, कुमारपाल का अधिकार हो जाए है। ठीक है साथियों, उसके बाद मेन बात एक के है 1051 से 1081 के मध्य में सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था, तो वो था अनंगपाल द्वितीय। कौन था, अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल 1051 से 1081 के बीच सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, अनंगपाल द्वितीय हुआ। लेकिन साथियों 1081 में जो है तोमर वंश का राजा, कौन सा वंश का, तोमर वंश का राजा तेजपाल राजा बने हैं, कौन बने हैं, तेजपाल ईसा राजा बने हैं साथियों। इसके ऊपर 1081 में जैसे ही वो राजा बने हैं इसके ऊपर इब्राहिम हमला कर दे, 1081 में इब्राहिम इस पर 1081 में हमला कर दे, हरियो बिनाय लड़े अपनी हार मान ले है, और हरियाणा किसका अधिकार हो जाए है, इब्राहिम का अधिकार हो जाए है। ठीक है, 1081 में हरियाणा पर किसका अधिकार हो जाए है, इब्राहिम का अधिकार हो जाए। ठीक है, तो ये थे मड़ी गजनवी के एक दो प्रश्न, इसमें आप पूछे जा सके हैं। गजनवी पहली बार थानेसर में कब आए, 1009 में। राजा कौन था थानेसर का, जयपाल। युद्ध कब करे, 1014 में। रयपाल हार गया, अधिकार हो गया। गजनवी के वंशजों ने हाँसी पर अधिकार कब करा, 1037 में। 1051 से 1081 के मध्य सप्त प्रतापी राजा अनंगपाल द्वितीय, 1081 में किसका अधिकार हो गया था, इब्राहिम का। ठीक है, उसके बाद साथियों अगला टॉपिक है तराइन की दो लड़ाई। ठीक है, आज इस वीडियो में भगवान की दया जो है अपने हरियाणा के जो प्रश्न आओ हिस्ट्री के उनमें तो कसर छोड़ना को नहीं, बाकी आपके कर्म किस्मत भगवान की दया है, सब अच्छा होगा, कर भला हो भला, अंत भले का भला। ठीक है, मजा है, पढ़ो आराम से। ओके, रिपोर्ट है। उसके बाद है तराइन की लड़ाई भाई, ओके है तराइन। तराइन का वर्तमान नाम है तरावड़ी, तरावड़ी। तरावड़ी किस जिले में है, करनाल में, करनाल जिले में जो है तरावड़ी है। 1191 में पहला युद्ध हुआ था, 1191 में पहला युद्ध तराइन का जो है पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में। ठीक है, 1191 में साथियों पृथ्वीराज चौहान जो राजस्थान का राजा था, पृथ्वीराज चौहान का ब्रेकट में लिख लियो तृतीय, क्योंकि वो कई बहन दिक्कत ये हो जाए कौन सा था, पहला दूसरा या तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और एक गोरी अफगान का था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने संदेशा भेज दिया पृथ्वीराज चौहान के पास, भाई मैं तेरे साथ युद्ध लड़ना चाहूँ 1191 में। बोला भाई जगह बता, बोला जगह हरियाणा में कती खाली पड़ी है, अपन जानते ही मिल जाएगी। बोला कड़े, बोला तराइन में है, तलावड़ी मुड़ो चाल उड़ो दोनों लड़ाई करांगे। तो बोला ठीक है, मोहम्मद गोरी का जो निमंत्रण आया और पृथ्वीराज चौहान ने स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है। और इसी में फिर पृथ्वीराज चौहान ने भाइयों जो गोरी थारा कि दिल्ली सेंटर आ रहा हो उड़े कोई जानकारी ना हो तो फोन मिलाओगे, भाई मेरा MTS का पेपर है स्कूल देखिए। बोला थारा कोई दोस्त होगा, उनका आ जाओ कोई दिक्कत को नहीं। हरियाणा में एक जगह फिर वही बात आ गई हाँसी, हरियाणा में हाँ हाँसी। पृथ्वीराज चौहान का मित्र था एक हाँसी का राजा जिसका नाम था गोविंद राय। हाँसी का राजा था गोविंद राय, पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। पृथ्वीराज चौहान ने संदेशा भिजवाया भाई नुनू मोहम्मद गोरी हो युद्ध करना, हरियाणा में जो जगह है तराइन
उसका नाम ले दिया। मैंने अरे तय मेरी मदद कर, ठीक है। तो गोविंद राय ने कहा भाई ठीक है तू आ जा, मैं तेरी मदद करूंगा। एक सेना तो पृथ्वीराज चौहान की थी, दूसरी सेना मोहम्मद इसकी गोविंद राय की आ गई। गौरी की एक सेना थी साथियों। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, कब हुआ? 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की जो है हार हुई। मोहम्मद गौरी जो है इस युद्ध में हार गया तराइन का पहला युद्ध में, और इतना घायल हो गया था मोहम्मद गौरी, मरने वाला था। एक अपने दयावान लोग भी हैं, एक खिलजी सरदार था। पेपर में प्रश्न पूछा है मोहम्मद गौरी की जान किसने बचवाई थी, घायल मोहम्मद गौरी की, खिलजी सरदार ने मोहम्मद गौरी की जान बचवाई थी, ठीक है। पहला युद्ध मतराइन का पहला युद्ध 1191 में जीत्या कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन घायल मोहम्मद गौरी की जान किसने बचाई? खिलजी सरदार ने, ठीक है। और इस युद्ध का एक सीधा मैन ऑफ द मैच, युद्ध का हीरो, तराइन का प्रथम युद्ध का हीरो पूछे तो कौन था? वो गोविंद राय। इसने पूरी पिच का बेरा था, बैटिंग करने का, इन्हें दाव बेरा था, हरियाणा में कुकर रोले करे जहां पूरा जानकार था यो। तो इसने जो पहला युद्ध लड़ा वो बड़ी ताकत के साथ लड़ा, बड़ा साथ दिया इसने, और जिसके कारण गोविंद राय के साथ के बदौलत पृथ्वीराज चौहान की पहले युद्ध में जीत हुई, और फिर जीत का जश्न मनाने खातिर यो जो पृथ्वीराज चौहान है वो दिल्ली चला जा है, ठीक है। और एक राजस्थान का राजा है, राजस्थान का राजा है जयचंद, क्यों है? जयचंद की एक पुत्री थी सहयोगिता। जयचंद की जो थी एक पुत्री सहयोगिता थी, ठीक है। इनकी दोनों की बातों है, राजा की पुत्री की और पृथ्वीराज चौहान की। तो बाद में इस बात का जो पता लग गया है वो जयचंद को लग गया। किसको लग गया है? जयचंद को इस बात का पता लगा है, और वो अपनी लड़की के साथ स्वयंवर रच दे, स्वयंवर। लेकिन उसमें जो है निमंत्रण पृथ्वीराज चौहान को नहीं देता, पृथ्वीराज चौहान का अपमान करे तो इस बात का पता बाद में पृथ्वीराज चौहान ने लग गया है। वो उससे स्वयंवर में अपने घोड़े लेके पहुंच गया है, और युद्ध करके जो है उड़ता है ओ संयोगिता ने अपना साथ लिया है, ठीक है। संयोगिता के साथ इसकी शादी हो जाए है। और साथियों हरियाणा में बताऊँ एक प्रश्न और होगा करंट अफेयर में, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म आने लग रही है, और जो मानुषी छिल्लर है झज्जर की लड़की वो है, वो संयोगिता का किरदार निभाओगी, रोल करेगी, ठीक है। तो जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान की शादी हो जाए है। एक पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि भी पेपर में बहुत पूछा है, चंदर बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उसने रचना करी थी पृथ्वीराज रासो की उसने, चंदर बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी, ठीक है साथियों। पृथ्वीराज चौहान की शादी संयोगिता के साथ हो जाए, लेकिन जयचंद जो था खुश नहीं था। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध है 1192 में, और इस युद्ध में जो गौरी के साथ एक सेना और बढ़ जाए है, वह थी राजा जयचंद जो था उसकी सेना है, वह गौरी का साथ देवे है। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की जीत हो, किसकी जीत हो है? मोहम्मद गौरी की जीत हो जाए, ठीक है। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है, देखो ज्यादातर इतिहासकार मानने हैं जो मोहम्मद गौरी था उसको हरियाणा का है सिरसा जिले में, जो पृथ्वीराज चौहान था उसको हरियाणा का सिरसा जिले में मार दिया। लेकिन जो चंद्र बरदाई है ये बहुत बताव है कि जो गौरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गया, वहाँ उसकी आँख फोड़ दी, जेल में डाल दिया। बाद में यो जावे है एक थाल जन्म एक थाल मरण, अलग अलग कांड इनके बारे में बताई जा है, ठीक है। तो साथियों तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में, पहले में युद्ध का हीरो गोविंद राय हाँसी का राजा था, तराइन का दूसरा युद्ध जीता था जो है वो मोहम्मद गौरी ने जीता, राजा जयचंद की सहायता थे, और बाद में इसने जयचंद को भी मार दिया था, बोला तू उससे का कौन हुआ तो मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार तराइन के दो युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुए थे। उसके बाद और आगे बढ़ाएंगे, एक महीने साफ कर दिया। हाँ तो साथियों आज जो मैन आन के प्रश्न हो कराने ला रहे हैं, कदे कौन सा जी और भी बहुत घनी हिस्ट्री हो है, लेकिन आप मान केवल हरियाणा के जो संबंधित प्रश्न है वो इन्हें मैं बन जाएंगे। उसके बाद जो अपनी सभ्यता है
चोटांग नदी इसी सवाल सभ्यता है, इसकी और एक वीडियो बना दूंगा। मिट्टी मिट्टियाँ के प्रश्न बहुत गणे आए हैं और अपने अपू जो हिस्ट्री थोड़ी बहुत या बड़प्पा सथल सिंधु सथल सी जो भी हैं इनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा या हरियाणा की हिस्ट्री में, ठीक है, वो एक अलग वीडियो एक अलग पोर्शन होगा। 1192 में मोहम्मद गोरी का जो अधिकार हो जाए है उसके बाद 1206 में साथियों मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाए है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाए है और एक इसका दास था या गुलाम कहो गुलाम, मोहम्मद गोरी का दास या गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, उसने 1206 में मोहम्मद गोरी मरने के बाद गुलाम वंश की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। कब करी? 1206 में, ठीक है, 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है साथियों। उसके बाद देखो एक प्रश्न बना है वो बता दी हूँ। 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे है रजिया सुल्तान, लेकिन 1240 में 13 अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्तान व उसका पति था अल्तुनिया, रजिया सुल्तान व अल्तुनिया को दोनों को मार दिया जाए। पेपर में प्रश्न एक क्या है, रजिया सुल्तान का जो मकबरा है, मकबरा वो हरियाणा का किस जिले में है? वो कैथल जिले में है। रजिया सुल्तान का मकबरा जो हरियाणा का है कि किस जिले में है? वो कैथल जिले में है। या थी 1240 की घटना। उसके बाद साथियों सीधा पढ़ाएंगे आप 1248 औरब है नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन व बलबन नसीरुद्दीन व बलबन यो पढ़ांगे आप आई भे 1240 में इसका मकबरा बन दिया कैथल में। मेन बात आगा जो है नसीरुद्दीन और बलबन, बलबन का नायब क्या करते पहले नायब कहो या सेनापति कहो, नसीरुद्दीन का सेनापति था बलबन, कौन था? बलबन था और बहुत ही विश्वास पात्र आदमी था इसका। यो इसने कहा भाई जातू हरियाणा में 1248 में, इस कब 1248 में जा और वहां कुछ मेवातियों ने उपद्रव ता रखा, मेवातियों ने उनका दमन कर का 1248 में बलबन की जिम्मेदारी लगा दी गई मेवातियों के दमन के लिए। किसके दमन के लिए? मेवातियों के दमन के लिए बलबन की जिम्मेदारी लगा दी गई 1248 में। और यो ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, यो थोड़े सैनिक लेकर सीधा आ गया और इसने मेवातियों पर हमला कर दिया। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ साथियों? यो असफल रहा, इस युद्ध में जो है यो असफल रहा था। देखो इब किसी ने था पीटन जाओ, अगला था हमने पीट दे तो हौसला तो और बढ़ जाएगा, मेवातियों का हौसला और बढ़ गया। इस तय आया था बलबन मारने, खुद पीट कर चला गया। उसके बाद 1257 में बलबन आसी से जा रहा था, बलबन का जो काफिला है वो आसी से जा रहा था, उसके ऊपर मेवातियों ने हमला कर दिया और इसमें फिर बलबन का ज्यादा चोटें आई, बलबन परेशान हो गया। उसके बाद साथियों 1260 ईस्वी में बलबन ने पूरी ताकत के साथ हमला कराया और इसमें मेवातियों को उसने हरा दिया, 1260 में मेवातियों को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद कई किताब 1263 लिखे हैं, कोई 1266 लिखा है, मेरे हिसाब में 1266 सही रहेगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठे है बलबन, दिल्ली की जो गद्दी है उस पर कौन बैठे है? बलबन 1266 ईस्वी में, किसम 63 है किसम 66, 1266 ईस्वी में बलबन जो है वो दिल्ली की गद्दी बैठे है। और दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं पेपर में जो प्रश्न आया कर, सबसे पहला काम है उसने मेवात के जंगलों को साफ करवाया था, वनों को, जो मेवात में जो जंगल है उनको साफ किसने करवाया था? बलबन ने 1266 में गद्दी पर बैठते उन्हें पहला काम यो करा था, ठीक है। उसके बाद साथियों 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाए है, 1287 ईस्वी में क्या है? बलबन की मृत्यु हो जाए, ठीक है। उसके बाद आवे है 1290
1290 ईस्वी में आवे है खिलजी वंश। कौन सा आवे है? खिलजी। खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। पेपर में प्रश्न आया खिलजी वंश की स्थापना कब, 1290 में संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अपन एक के प्रश्न याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी राजा बनने से पहले, शासक बनने से पहले कहाँ का मुक्ति रह चुका था? कहाँ का मुक्ति रह चुका था साथियों? कैथल जिले का जो हो मुक्ति रह चुका था। ठीक है साथियों, तो यो था अपने, उसके बाद आओगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, एक बार साफ कर दू हूँ, मैन मैन अपनी हिस्ट्री जो आज इस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी क्षेत्र का आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो पेपर में प्रश्न आओ खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 1352 फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1352 ईस्वी में कलवेकाड़ा पेपर में भी आ रहा था, हरियाणा का फतेहाबाद नगर इससे न बसा था, यो उसमें गुजरा था, इसकी रानी का लड़का हो जाए है और उसका नाम रखा है फतेह खां। फतेह खां का नाम पर एक नगर बसा दिया इसने फतेहाबाद। क्या बसा था? फतेहाबाद 1352 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक नगर बसाया हिसार। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया? एक नगर हरियाणा में हिसार बनाया। और उसके बाद है ना एक नगर और बसाया सिरसा से 12 मील की दूरी पर, सिरसा से 12 मील की दूरी पर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद नगर बसाया। कौन सा नगर? फिरोजाबाद नगर बसाया, जिसको वर्तमान में कहे हैं अरनी खेड़ा। के कहे हैं? अरनी खेड़ा कहे हैं। 12 सिरसा से 12 मील की दूरी पर फिरोजाबाद नगर बसाया, जिसने वर्तमान में के कहे हैं अरनी खेड़ा कहे हैं। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन साथियों हिंदुआ ने मुसलमान बनाना चाहता था, इसलिए इसने जो गोहाना है अपना गोहाना, गोहाना, गोहाना में हिंदुओं पर कतलेआम भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मंदिर के जो पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी और गौओं पर कतलेआम किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, इतना इसके बारे में पढ़ांगे, दो तीन प्रश्न इसमें आवे हैं। ठीक है, उसके बाद है 1398 आव है तैमूर। क्या आव है? तैमूर आव है। और पेपर में प्रश्न आया था किस ओर हरियाणा में प्रवेश करे है? राजस्थान की ओर हरियाणा में प्रवेश करे है तैमूर। और हरियाणा के तीन जिले सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। तैमूर जो है सिरसा, फतेहाबाद और हिसार पर आक्रमण कब करे है? 1398 में करे है। कब करे है? 1398। उसके बाद है 1451, 1451 से 1526 ई बाजा है लोदी वंश। कौन सा वंश है? लोदी वंश आ जा है 1451 से 1500। 1451 में बहलोल लोदी है वो लोदी वंश की स्थापना करा है 1451 में बहलोल लोदी। और अंतिम जो इसका वो है इब्राहिम लोदी। क्यों है? इब्राहिम लोदी। ई पटांगे पानीपत की तीनों लड़ाई एक बार साफ कर दी हूँ, 1451 में लोदी वंश समाप्त हो जाए 1526 में, 1525 में मुगल सत्ता व संग्रह शुरू हो जाए है। ठीक है साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। देखो सेना तो बहुत दिन पहले आ ली थी, लेकिन 10 दिन तो ये सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही। यह लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच।
एक पेपर में प्रश्न आया था, बाबर अपने हरियाणा अभियान के दौरान पहली बार हरियाणा में 1525 में ईस्वी में आया था। बाबर पहली बार जो हरियाणा में आना है वो कब आया था? पहली बार है, जगह देख गया था एक साल पहले, युद्ध करना आया 1526 में, उससे पहले जगह देखना गया था 1525 में, जगह देखना गया था। साथियों दोनों सेनाएं 10 दिन एक दूसरे के सामने खड़ी रही, लेकिन बाबर था इसने पहली बार इस युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति हो है, तुलगमा भी पा जाए कितने तुलगमा युद्ध पद्धति बाबर ने इस्तेमाल कराया। पहली बार तोपों का इस्तेमाल कराया, तोपा का देशी भाषा में तोप का जहाँ तोपों का इस्तेमाल कराया था इसने। और इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी मारा जा है और लोदी वंश क्या हो जाए है समाप्त हो जाए, क्या हो जाए है समाप्त हो जाए है। और अधिकार किसका हो जाए है? बाबर का। किसका हो जाए है? बाबर का। ठीक है, बाबर का अधिकार हो जाए है। उसके बाद बाबर 17 मार्च देखो 1527 ईस्वी राणा सांगा के साथ भी युद्ध करे है, लेकिन एक युद्ध करे है 1527 17 मार्च में आसन खां के साथ। किसके साथ है? आसन खां के साथ है। आसन खां के साथ युद्ध करे है और इस युद्ध में आसन खां मारा जा है और उसका बेटा जो है नहार खां, आसन खां का बेटा है नहार खां, हसन खां का बेटा है नहार खां, उसको कुछ राजस्व दे के माफ कर दे है कि भाई जात तू तेरा बाप तो मरे लिया, उन्होंने कहा बाजे तुम्हारे तो पीछे दे दे राजस्व, और जो उसका क्षेत्र था उसने भी अपना क्षेत्र में मिला ले है। इस प्रकार बाबर का जो साम्राज्य है साम्राज्य वो बड़ा बहुत बड़ा साम्राज्य था बाबर। बाबर ने मरते पहले अपना साम्राज्य 4 भागों में बांट दिया था, ईसार सरकार, नंबर 2 दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, नंबर 3 मेवात सरकार और नंबर 4 जो है सरहिंद सरकार। अपना जो साम्राज्य है वो 4 सरकारों में बाबर ने बांट दिया था। और उसके बाद जो बाबर है 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाए है बाबर की। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है हुमायूं गद्दी पर बैठे है और उसने भी जो अपना साम्राज्य है अपने 2 भाइयों में इंदाल व दूसरा भाई था कामरान, इंदाल व कामरान में वो अपना साम्राज्य बांट दे है। और ये दोनों भाई बाद में ये दोनों भाई हुमायूं के दुश्मन बन जाए हैं और जी 1540 ईस्वी में शेर शाह आक्रमण करते हैं, शेर शाह आ जाए 1540 में, उसने हुमायूं पर आक्रमण कराया और इस युद्ध में हुमायूं हार जाए है। फिर 5 वर्षों तक 1545 तक जो है शेर शाह शासन करा है और रोड जीटी रोड किसने बनवाया? शेर शाह ने बनवाया। कोस मीनारे किसने बनवाई? शेर शाह ने बनवाई। ये प्रश्न हरियाणा जीके में आवे हैं। ये पढ़ाएंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, या थी पानीपत की पहली लड़ाई। साथियों आज इससे वीडियो में सारी हिस्ट्री करा देंगे, बस उसके बाद फिर हो जाएगा 1857 की क्रांति। ये प्रश्न उसमें अपने बने रखने बार बार हरियाणा जीके में बने। और वह अपनी सीरीज चाल रही है सुपर 1000 वाली, उसका भी पेज नंबर 8 लेकर जरूर जल्द ही डाल दें, अकल ही डाल दें या आज डाल देंगे। उसके बाद है पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 7 अक्टूबर 1556 को अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र हेमू गद्दी पर बैठे हैं 7 अक्टूबर 1556 में, लेकिन 5 नवंबर 1556 को उन्हें युद्ध करना पड़ा है अकबर का संरक्षक था बैरम खां उसके साथ उसने युद्ध करना पड़ा है 5 नवंबर। और इस युद्ध में जो है हेमचंद्र हेमू का आंख में तीर लाग जा है, हेमचंद्र हेमू है जो आंख में तीर लाग जा है, युद्ध जीतने वाले थे, उसके बाद सेना में भगदड़ मच जा है और बेहोशी हालत में जो बैरम खां है, वो बैरम खां अकबर का संरक्षक जो है इसका शर्त कलम कर दे है। इस प्रकार जो है पानीपत का दूसरा युद्ध में अकबर की जीत हुई, बैरम खां की जीत हुई और 13 साल का अकबर जो है वो राजा बने, ठीक है। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है पानीपत की
तीसरी लड़ाई। और नू सोचो ना कोई थोड़ी कराई इस तबार आओ भी को नहीं ऊंचे ही कितने पढ़ लिए और सब्जेक्ट आपके पास बहुत बने उनमें खूब डीपली पढ़ियो जितना हो सका है। पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761 में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। साथियों इसमें मराठे लगभग 2 लाख का लवा हो गए थे, अन्य एक विरासतों ने इसका जो सहयोग कराया था। लेकिन कारण के रहा हूं हरियाणा की, देखो सारे राजा युद्ध करे तो पहले जगह देख गए, मराठा ने जलवायु का बेरा कोनी था। 14 जनवरी का दिन था हरियाणा में, 14 जनवरी 1761 जाडे पड़े हैं कसुते, अरे धोती कुर्ता में युद्ध लड़न आगे भगवान के राजा, पहले 14 जनवरी ने घना जाडा है और फिर हवा चाली तेज, बूंद भी हैगी, जाड़ी बाजन लागी जाडे में, कड़कड़कड़कड़ की जाड़ी बाजो नहीं, 2 लाख आदमी है जाड़ी बाजे तो अहमद साहब ने सोची सटेन गन चला दी और उसने उस आधे तो बेचारे जाडे ने मार रखे थे मराठे कि मैं अहमद साहब ने मार दिए और इस युद्ध में जो मराठे की हार होगी और अहमद साहब की जीत होगी। ठीक है तो साथियों थी पानीपत की तीन लड़ाई। ठीक है और अब अपने 1857 की क्रांति, हरियाणा में 1857 की क्रांति। ठीक है 1857 की क्रांति जो है हरियाणा में, देखो देश में पूछा तो यह मार्च में शुरू हुई थी बैरकपुर में, बैरकपुर, और ये बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बंगाल में जो बैरकपुर में यहाँ मार्च में शुरू हुई थी और पहला अप्रैल में 8 अप्रैल को शायद जो मंगल पांडे था वो पहला शहीद था। और मेन जो कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे, के थे चर्बी वाले कारतूस इसका। और इसका जो प्रतीक चिन्ह 1857 का कमल व रोटी, कमल व रोटी थी और इसका नारा था मारो फिरंगी, मारो फिरंगी इसका नारा था। ठीक है अपन है केवल हरियाणा की पढ़नी है। क्रांतियाँ 30 मई ने शुरू होनी थी लेकिन एक गद्दार सैनिक था जिसका नाम पेपर में पूछा था श्याम सिंह, यह जानकारी उसने पहले अंग्रेजा तक दे दी गद्दार सैनिक ने श्याम सिंह ने। क्रांति हरियाणा में शुरू होगी मेरठ का साथ ही शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, हरियाणा की जिले में शुरू हुई अम्बाला जिले में। ठीक है ठीक है और उसके बाद क्रांति हुई 13 मई को, कब हुई 13 मई 1857 को गुरुग्राम में शुरू होगी क्रांति, कड़ोगी गुरुग्राम में। वहाँ देखो कई किताबों में तो विलियम्स फोर्ड आओगा, विलियम्स फोर्ड अधिकारी था जो कलेक्टर था, कईया में एम आर फोर्ड भी है, एम आर फोर्ड यो एच एस सी का जो उत्तर आया था उसमें आया था एम आर फोर्ड, गुरुग्राम का कलेक्टर कौन था एम आर फोर्ड, कईया में है विलियम्स फोर्ड भी दे रखे लेकिन एम आर फोर्ड भी उत्तर मारा। 13 मई को क्रांति शुरू थी गुरुग्राम। उसके बाद है 23 मई, 23 मई 1857 को क्रांति होगी थी रोहतक में और रोहतक के साथ ही संपूर्ण हरियाणा में जो है क्रांति हरियाणा में फैल गई थी। ठीक है आखिरी में साथियों भी लिखवा दे हूँ 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता और यो इसका साथ ही जो है हरियाणा की हिस्ट्री जो हवा समाप्त हो जाएगी और एक ही वीडियो में जो है अपना बहुत जल्दी तो मैंने कराने का प्रयास किया है 1857 की क्रांति। ठीक है देखो एक साइड तो लिखना है अपन है 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता, क्रांति के नेतृत्वकर्ता एक साइड तो जैसे क्षेत्र भाई कौन सा क्षेत्र था, एक साइड नेता का नाम, नेता कौन था, जैसे अहिरवाल क्षेत्र, अहिरवाल रेवाड़ी, मतलब रेवाड़ी में नेतृत्व किसने करा था राव तुलाराम ने, किसने करा था राव तुलाराम, राव तुलाराम ने जो नेतृत्व करा था। उसके बाद है पलवल, पलवल का नेतृत्व 1857 ने करा अरसुख राय गफूर अली, गफूर अली ने, अरसुख राय व गफूर अली। मेवात का नेतृत्व किसने करा
सदरुद्दीन ने। मेवात का नेतृत्व किसने कराया था? सदरुद्दीन ने कराया था, ठीक है। उसके बाद है फरीदाबाद, फरीदाबाद का नेतृत्व कराया था दानू सिंह ने। किसान नेता है दानू सिंह। उसके बाद इसकी तहसील है, वर्तमान नाम तो उसका बलरामगढ़ अजीब का करते बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का नेतृत्व तो सब ने बेरा इसका नाहर सिंह ने कराया था। किसने कराया था? नाहर सिंह ने, ठीक है। उसके बाद है सांपला के है, सांपला, सांपला का नेतृत्व किसने कराया था? साबर खां, साबर खां ने जो है सांपला का नेतृत्व 18 क्रांति में। उसके बाद है खरखोदा, खरखोदा सोनीपत में है, इसका कराया था बिसारत अली, बिसारत बिसारत अली ने इसका जो है खरखोदा का नेतृत्व कराया था, ठीक है साथियों। उसके बाद और भी नेतृत्व करता है, जैसे चरखी दादरी, चरखी दादरी का नेतृत्व कराया था बहादुर जंग ने। किसने कराया था? बहादुर जंग ने। उसके बाद है आसी, आसी का नेतृत्व कराया था हुकम चंद ने, हुकम चंद ने जो हांसी का नेतृत्व कराया था। उसके बाद आड़े लिख दियो हूँ, हुकम चंद के बाद हांसी का नेतृत्व हुकम चंद ने कराया था। उसके बाद फरुखनगर, फरुखनगर का जो है नगर का नेतृत्व था अहमद अली, अहमद अली ने कराया था। पटौदी, पटौदी का नेतृत्व कराया था अकबर अली, ठीक है। उधर दुदाना, दुजाना का नेतृत्व कराया था हसन अली ने। किसने कराया था? हसन अली ने किसका नेतृत्व कराया था? दुजाना का नेतृत्व कराया था। और एक रह गया रानिया, रानिया का नेतृत्व कराया था नूर मोहम्मद खान, नूर मोहम्मद खान है। और एक है पानीपत, पानीपत का नेतृत्व जो रखा था अली बू अली, अली कलंदर ने, अली कलंदर ने जो है पानीपत का नेतृत्व कराया था। तो साथियों प्रयास यो था कि इतने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों तो मतलब हरियाणा की जो हिस्ट्री है वह कराई जा, और इस बार प्रश्न को नहीं आओ इवन हो तो पढ़ना है तो कितना है पढ़ लो आपके पास टाइम है तो, लेकिन मैं नुको हूँ यो तो जरूर देख लियो जो हजार प्रश्न है ना नु रामबाण इलाज है हिस्ट्री का इस बार किमे को नहीं, लेकिन फिर भी आपने पढ़ना है तो कितना है पढ़ लियो, लेकिन यो तो क्या करना अनिवार्य योग्यता है। तो और एक वीडियो बनाऊंगा हरियाणा में जो और भी जो अपने हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ सिंधु घाटी है, माने जैसे राखीगढ़ी, सीसवाल, बनावली, भिंडराणा, जितने भी ये पुरातत्व स्थल हैं, हिस्ट्री जो अपना एक पोर्शन और बच गया उसकी वीडियो भी लेकर साथियों एक के दिन की एक के वीडियो में उस नापा सारी में उसमें सिस्टम में डाल देंगे। साथियों आप लोगों का प्यार इतना मिले है, रात में टेम लगा कर अपनी यह वीडियो बनाने लग रहे हैं, दिन में क्लास हो जाए हैं फिर थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए, बोलना है दिन में बोलना ही पड़े है तो बोलन का सिस्टम है। और उम्मीद यह करूँ जब पसंद आओ तो वीडियो ने साथियों शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है साथियों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और एक बात और रह गई थी साथियों, जो अपने ये पेज है ना इनमें थोड़ा आगे है कि जो वैसे तो 8वां पेज आ लिया लेकिन मैंने 7वां डाला है, तो प्रश्न जो पुराने थे ना वो मैंने हटा दिए हैं, तो नए प्रश्न करंट अफेयर के और पेज आऊंगे वो मैं जोड़ दूंगा, और बहुत जल्द आपकी जो हरियाणा जी के चारों तरफा, चारों तरफा हमला कर दिया, और हरियाणा जी के ईब का कंप्लीट करने के बाद ही पॉलिटिकल साइंस डालेंगे भाइयों, क्योंकि कई बालका का कलासा में भी डिमांड आ जाए सर पॉलिटिकल साइंस मैंने थोड़ी डाली थी, वह शुरू में भी इसी डाल रखी है, उसमें समझ में ना हो बालका के वो शुरुआत थी पॉलिटिकल साइंस की, बालक पढ़ कर राजी हो हैं राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष, राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष, ये पढ़ कर तो बालक राजी हो हैं, थोड़े अनुच्छेद मड़े हटपटा है आज की में, उसने सोचा यो की करण लग रहा है मास्टर, मतलब रोचक तथ्य है ईब मड़ा लेवल बदल गया, खारे पानी की झील मीठे पानी की झील ये कमान लगी, ईब तो तीन तीन ए या बी सही है कुछ कह नहीं सकते, इस प्रकार के साथियों वहां में प्रश्न, ठीक है। और मैं एक बात और बताऊ हूं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ने लग रहा है, इंग्लिश तो डरो ना,
इंग्लिश भी सीखो भाइयों, 8 नंबर की आओ है। अरे भाई हरियाणा है ना, तंग रहे है सारे ने, बेरा है मोदी ने भी बेरा है, सब ने बेरा है, हरियाणा में इंग्लिश की प्रॉब्लम है। लेकिन ये सीखो था हम भाइयों, सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश रीजनिंग और हरियाणा जी के ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपना जीवन उद्धार कर सके हैं, जो आपने सिलेक्शन दिला सके हैं। ठीक है, तो आज यह वीडियो थी हरियाणा का इतिहास के बारे में डाल दी है अपन ने। और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करियो। कोई प्रॉब्लम, देखो शुरू वाली वीडियो आपने देखी कि मैं क्वालिटी कम थी, आपने सुझाव दिए, मैंने सुधार कराया। इब भी कोई सुधार की गुंजाइश होने तो कमेंट करके जरूर बताइयो, और अच्छी लग गए तो भी बताइयो, क्योंकि बुरा की में लगेगा तो सुधार कर देंगे, अच्छी लगेगा तो हौसला बढ़ेगा, काम दोनों ठीक रहने हैं। और इब वीडियो नहीं तो नहीं चढ़ा दो जुकर गजबण पानी न चाली, गाना चढ़ रहा है ने गजबण पानी न चाली। ठीक है, नुए है हरियाणा की हिस्ट्री जो है वह अपन एक के वीडियो देख, हरियाणा की हिस्ट्री एक के वीडियो में डाली, गजबण पानी न चाली। आज के लिए इतना है, जय हिंद जय भारत।